स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्वेश्चन आप किए होगे तो इसको कर सकते हो, ठीक है। जिसको मोमेंट ऑफ इनर्सिया आता है वो कर सकता है, ठीक है। कहता है थ्री पार्टिकल है, हम लोग के पास थ्री पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है और एक यहाँ पर पार्टिकल है और एक यहाँ पर। दे आर वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एल साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया है। हम लोगों को निकालना मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी एक्सिस पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एक्सिस गलत आइडेंटिफाई किया तो आपके मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। कभी कभी एक्सिस दिया रहता है, कभी कभी एक्सिस डिफाइन किया रहेगा, ठीक है। चलो तो अभी एक्सिस दिया है, एक्सिस एक लाइन है जो ए एक्स, ठीक है। ये जो लाइन है दैट इज द एक्सिस, दिस इज द लाइन, ये लाइन एक एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर अगर ओमेगा से रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना बनेगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितने पार्टिकल है, तीन है, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बनेगा, ठीक है। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो हो जाएगा। जो पार्टिकल एक्सिस पे आ जाते हैं उनकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर मैं इन तीनों को लिखूं तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले आई वन इसका चला गया जीरो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर क्या है परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ एल बाई टू हो जाएगा सी वाले के लिए। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया बनेगी एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर प्लस अगेन एम आर स्क्वायर। ये जो पार्टिकल है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो साइड ही हो जाएगा, तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर। तो कुल मिला के या आंसर जो होगा वो आ जाएगा फाइव एम एल स्क्वायर बाई फोर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। फाइव एम एल स्क्वायर बाई फोर मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है।